भले ही शोहरतों की मैं सभी ऊंचाइयां छू लूं, बुलाकर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा। सभी तरह की न्यू लेटेस्ट मुशायरा वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल आरएस मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सलाम करता हूं आपकी इन बेपनाह मोहब्बतों को। अब थोड़ी देर गुजारिश करूंगा कि आप जहां हैं जैसे हैं बैठ जाएं, ताकि मैं थोड़ी देर गुफ्तगू कर सकूं आपसे, थोड़ी देर बातचीत कर सकूं। थोड़ा सा डाइस के भी साथियों से गुजारिश है कि अब ये लाइव और रिकॉर्डिंग और ये सब थोड़ी देर के लिए बंदी कर दें। सामने कई सारे कैमरे चल रहे हैं तो उन्हें चलने दिया जाए। बड़ी तादाद में आप यहाँ इकट्ठा हैं। सबसे पहले तो मैं हाजी रुखसार साहब को बहुत मुबारकबाद दूंगा, जिस तरह से उन्होंने ये महफिल सजाई और करौली में जिस तरह से हजारों का हुजूम इकट्ठा किया। और क्या जिंदा दिल सामईन है आप, मैं आपको सलाम करता हूं। मैं जब से आया हूं देख रहा हूं कि आपका जोश आपका जज्बा कम नहीं हुआ है। बस मेरे नौजवान साथियों, मैं थोड़ी देर 20-25 मिनट आपके सामने रहूंगा। आपको दो चीजें समझनी है कि दाद देनी है, मोहब्बत देनी है, लेकिन जब जरूरत हो तब देनी है, बाकी खामोशी के साथ सुनना है। उधर जो बाईं तरफ कुर्सियों पर लोग बैठे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं, वो जो स्क्रीन में देख रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि इधर देखें, मैं लाइव ज्यादा खूबसूरत लगता हूं, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं, तो इधर देखें। बहुत खूबसूरत महफिल है ये। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता इस करौली की सरजमीन पर एक भारत जोड़ो मुशायरा कवि सम्मेलन की शाम सजी है और उसकी अध्यक्षता दर्शनी लाल जी दर्शन कर रहे हैं। ये है हिंदुस्तान, ये है भारत, ये है इंडिया जिसका सपना राहुल गांधी जी देखते हैं। यहां पर करौली नरेश विवश्वत जी, बड़ा यूनिक नेम है, और मैं अगर हिंदी साहित्य का विद्यार्थी ना रहा होता तो शायद इसे ले पाना भी बड़ा मुश्किल होता, इतना ढूंढ करके नाम रखा गया है उनका। लेकिन बहुत प्यारे इंसान है, उनसे बहुत सारी बातें होती रही करौली के बारे में। यहां पे मौजूद हमारे अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आबिद कागजी जी, यहां पे राजस्थान सरकार के मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चोपदार साहब, दिल्ली से आए हुए दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के वाहिद कुरैशी जी, सद्दाम हैं यहाँ पर कामा से, रूबी खान जी हैं, इंसाफ आजाद जी हैं, अहमद साहब हैं, इकबाल जी हैं, निजामुद्दीन कुरैशी साहब हैं, इन सब की मौजूदगी को सलाम करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ बैठा एक एक शख्स एक बार हाजी रुखसार साहब के लिए ताली बजाए कि उन्होंने आज ये खूबसूरत सी शाम सजाई, उन्हें बहुत मुबारकबाद दूंगा। बाकी बहुत दिन बाद आज अपने शायर दोस्तों के साथ उनकी महफिल में आया हूं, सोचता रहता हूं कि ऐसी कोई शाम जुटे तो थोड़ा सा जो दुनिया की फिक्र है और जो दुनिया का गम है उससे उबरने का मौका मिले और शायरों के बीच में बैठूं तो पुराने दिन याद आए। आज वो दिन मिला है। पहली बार आया हूं करौली, चार मिसरों से अपने सफर की शुरुआत करता हूं, थोड़ी देर आपके दरमियान रहूंगा। इस शहर से था एकदम अनजान चलाया। वाह वाह, इधर जो दाहिनी तरफ बैठे हैं इधर सबकी शिरकत हो, पूरा मुशायरा रात भर ये दो जो दो तरफ बैठे हुए लोग हैं इन्होंने चलाया है। अब मैं चाहता हूं कि ये पूरा मुशायरा पूरा मजमा चलाए तो अच्छा रहेगा। इस शहर से था एकदम अनजान चला, अनजान चलाया। वाह वाह, बनने के लिए दिल का वाह
मेहमान चलाया बनने के लिए दिल का, मेहमान चलाया कुछ तो थी कशिश यारो, तुम सब की मोहब्बत में मजबूर जो हो करके इमरान चला, मजबूर जो हो करके इमरान चलाया। मैं मुबारकबाद दूंगा पूरी रात इस कार्यक्रम की व्यवस्था बनाने के लिए, जो हमारे पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको भी बधाई दूंगा कि वो पूरे अनुशासन से इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रख रहे हैं। ये करौली है, इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ खड़ा है, यहाँ हर समाज के लोग बैठे हैं, सर्व समाज के लोग बैठे हैं। कभी कभी आपके इस जिले को नफरत की हवाओं में जकड़ने की कोशिश की जाती है। मैं यहां खड़ा होकर चार पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं प्रतापगढ़ का हूं, मेरी पढ़ाई जहां हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, वहां संगम है, गंगा और यमुना का संगम होता है तो अदृश्य सरस्वती उपजती हैं। मैं ऐसी सरजमीन से आया हूं और चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि चाक है जिगर फिर भी वाँ 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 वाँ। आए हैं रफू कर के, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू कर के, जाएंगे हकीकत से वाँ 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 वाँ। तुमको रूबरू कर के, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू कर के, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। भाई इमरान साहब बहुत बहुत नमाज पढ़ते हैं, बहुत दिनों बाद क्या कहना, गंगा में वजू करके। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं थोड़ी देर में अपने तेवर में आने की कोशिश करूंगा, इसी तरह से आपका जज्बा मिलता रहे तो। के मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, मुझसे मेरे होने की, अगला मिसरा पुकारेगा आपको, के मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, वा, वा, मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो, वाह अब तैयार रहना, कि मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और मैं खास तौर से करौली के जो बिल्कुल अभी अभी
चौथी पांचवी छठवीं क्लास में पढ़ रहे बच्चे हैं, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बच्चों की तरबियत और परवरिश ऐसी की है कि उन्हें पता है कि मुशायरों में किस अदब के साथ, मोहब्बत के साथ मुशायरा सुना जाता है। नई नस्लों तुम्हें सलाम। ये करौली है जिसकी तारीफें हम दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में बैठ के सुना करते थे और आज यहाँ आ करके अपनी आंखों से इसे महसूस भी किया है। सलाम करता हूँ आपको। के अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ, हर दर्द की यारो मैं दवा लेके चला हूँ, मुझको यकीन है के रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब, मुझको यकीन है के रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं आप। इस कार्यक्रम का जो नाम है वो बड़ा खूबसूरत है, वो भारत जोड़ो ऑल इंडिया मुशायरा एवं कवि सम्मेलन। और दाहिनी तरफ एक जवान से बुजुर्ग की तस्वीर लगी हुई है जिन्हें आप हाजी रुखसार साहब के नाम से जानते हैं। ये अच्छा है, जवान से बुजुर्ग। हाँ, जवान से बुजुर्ग हैं। जवान से बुजुर्ग मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उनके करीब बैठा हुआ था और जब कोई शायरा मिसरा पढ़ती थी तो जो चमक आती थी उनके चेहरे पे वो बताती थी कि हाजी साहब बहुत शानदार आदमी है। इधर जो बुजुर्ग हमारे बैठे हैं मैं उनसे भी दुआएं मांगता हूं। अब मैं वो सब सुनाने की कोशिश करता हूं जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। आपकी शिरकत मांगता हूं, एक आध नज्म आपको सुनाता हूं। चूंकि ये भारत जोड़ो मुशायरा है, बड़े दिलजले आदमी हैं, इन्होंने मेरे बड़ा पुराना चार मिसरा याद दिलाया है मुझे। और सलाम करता हूं आपको। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, वाह, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है, किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। मुझे याद भी नहीं थे लेकिन भाईजान ने याद दिलाए। अब इन्हें चचा जान तो नहीं कह सकता, भाईजान ही कहूंगा, उन्होंने याद दिलाया उसके लिए शुक्रिया। मैं नज़्म सुनाता हूं, पीछे लिखा है भारत जोड़ो। एक ऐसी यात्रा जो आजादी के बाद, हां उधर आप ये आगे जो खड़े हैं लोग बैठ जाए ताकि पीछे वालों को नजर आए, और ये इतने सारे कैमरे, अच्छा टेक्नोलॉजी ने भी बहुत नुकसान किया है नदीम भाई जी, ये व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब ये सब जिंदगी को थोड़ा आसान तो करता है लेकिन फिर ऐसी मुश्किलों में जकड़ता है। वो पिछले दिनों एक भाभी जी ने मोहल्ले में कहा कि व्हाट्सएप की वजह से मेरा लड़का जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो पड़ोस खड़े एक बुजुर्ग ने कहा कि भाई व्हाट्सएप की वजह से स्कूल कैसे नहीं जा पा रहा है। बोली एक दिन वो सुबह स्कूल के लिए निकला, स्कूल पहुंचने में उसको देर हो रही थी तो मैं घबरा गई तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज लिख दिया कि मेरा बेटा जिसकी तस्वीर ये है वो स्कूल के लिए निकला है, अभी स्कूल नहीं पहुंचा है, मैं डर रही हूं जिसको भी मिले वो ला करके घर छोड़ जाए। अच्छा, बोले उसके बाद वो आधे घंटे बाद स्कूल तो पहुंच गया लेकिन उस दिन के बाद से वो जब भी सुबह स्कूल के लिए निकलता है कोई ना कोई मैसेज फॉरवर्ड कर देता है और जिसको भी दिखता है वो पकड़ के ला के घर छोड़ देता है, तो मेरा बच्चा स्कूल जा ही नहीं पा रहा है व्हाट्सएप की वजह से। तो व्हाट्सएप ने जिंदगी बड़ी अजाब भी की हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आजादी के बाद भारत के इतिहास की सबसे लंबी और सबसे खूबसूरत यात्रा
जिसका नाम भारत जोड़ो यात्रा था। 7 सितंबर को पिछले साल शुरू हुई थी और उसकी जो पहली वर्षगांठ है उस मौके पर अलग अलग कार्यक्रमों को करते हुए आज हम यहां पर खड़े हैं करौली में। और इसके बीच में एक राज्य का चुनाव भी गुजरा है। मैं कोशिश करता हूं थोड़ी थोड़ी सियासत, थोड़ी थोड़ी शायरी, बीच में थोड़ा थोड़ा आपसे गुफ्तगू। बहुत दिन बाद माइक पर खड़ा हूं शायर की हैसियत से, तो थोड़ा सा आप साथ देंगे तो रंग में आ जाऊंगा, तो बहुत कुछ सुनाऊंगा आपको। के हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। वाह, हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। पहला बंद पढ़ता हूं जी। के नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। सच्ची बात है, वाह। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। वाह 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 वाह। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। आप बहुत समझदार लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, लेकिन मुझे पता है ये करौली है, ये राजस्थान है, ये समझ लेता है कि किसके बारे में कहा जा रहा है। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। वाह वाह वाह। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत क्या गया। कहना क्या कहना। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेला निकला था। वाह वाह वाह। सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। वाह 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 वाह। उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। वाह वाह वाह। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। इरशाद। बांटने की बड़ी साजिशें हैं। यहां बैठे हुए तमाम जो हजारों लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये जो बांटने की साजिशें हैं, जब वो खत्म होंगी तो रिजल्ट ऐसा ही आएगा जैसे कर्नाटक में आया। तो मैं एक बंद पढ़ रहा हूं कि धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे। वाह वाह वाह। ये जो रिमोट से आप इसको उड़ा रहे हैं ना ड्रोन, इसको वापस ले लें, बाद में सरहद के उस पार भेजने के काम आएगा, रख लीजिए। के धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे। राम का हमको प्यार मिला, रहमान हमारे साथ रहे। वाह वाह। राम का हमको प्यार मिला, रहमान हमारे साथ रहे। वाह वाह। वो जो बंटवारा करते हैं बीच में हिंदू मुस्लिम के, क्या कहना, क्या उन्हें कहना, वा, बताओ वा, वा, बजरंगी हनुमान हमारे साथ वा, रहे। वाह 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 वाह। के प्यार मोहब्बत वाली विरासत जीत गई कर्नाटक में। वा, नफरत वा, वा, हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। लेकिन अगले 3 मिनट में चाहता हूं कि आप बिल्कुल अपनी जगहों से उठे नहीं, उछले नहीं। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है, मैं कर लूंगा, मैं तो यही सब करके यहां तक आया हूं ना, ये तो मेरा काम रहा है, तो ठीक है मैं इनसे निपट लूंगा, इनसे बातचीत कर लूंगा। एक 3 मिनट का वक्त मांगता हूं आपसे। मैंने कहा ना मैं करौली में खड़ा हूं। 1 साल पहले 1.5 साल पहले हमने करौली की खबरें सुनी, और आज जब मैं इधर करौली नरेश के पास और इधर हाजी साहब के पास बैठा था, तो मैं उनसे बातें कर रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे एक मेरी पुरानी नज्म है, मुझे उसे जरूर सुनाना चाहिए, उसके 1-2 बंद।
यहां मैंने कहा ना अलग अलग मजहबों के लोग बैठे हैं, भारत जोड़ो मुशायरा है, दर्शनी लाल जी अध्यक्षता कर रहे हैं। इमरान एक नज्म सुनाता है के पूछता है तिलक से वजू चीख कर, या मीडिया के जो साथी हैं कल जब खबर लिखना शुरू करेंगे तो मैं उनसे चाहूंगा कि प्रायोजित खबरों के बजाय इस तरह की चीजों को बढ़ावा देंगे तो शायद समाज में सौहार्द और बढ़ेगा। मैं पढ़ता हूं के पूछता है तिलक से वजू चीख कर आमने सामने रूबरू चीख कर, पूछता है तिलक से वजू चीख कर आमने सामने रूबरू चीख कर, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर, जब तेरा और मेरा, जब मेरा और तेरा, जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। मैं सब समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पुकारता हूं इन पंक्तियों में कि कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे, कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे, कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक दूजे के खून की रही प्यास तो लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे, के मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा, तेरे बिन मैं अधूरा रहूंगा सदा, इस तरह से तेरा और मेरा संग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। भाई क्या पैगाम दिया जा रहा है, वाह वाह वाह। ये सब शुरू कहां से हुआ था? वो एक अच्छा दिन था जिसका जुमला सुना आपने और आप सबको लगा कि नहीं वो तो बस मिल के रहेगा, लेकिन आज यहां खड़ा होकर के 2023 में इमरान खड़ा होकर के बोल रहा है कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, क्या कहना, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। जो चौथा मिसरा है उस पे आपकी तालियों का शोर जाए दिल्ली तक। मैं पढ़ता हूं, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन
ही लौटा दो। वो पुराने दिन जब एक नारा उठता था कि भाइयों बहनों, ये फिर आ गए चाचा नुमा भाई साहब। हाँ अभी अभी सब सुनाऊंगा, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, आपकी हर ख्वाहिश को मैं आखिरी ख्वाहिश मान के पूरी करूंगा। आप बस इसी जिंदा दिली के साथ बैठ रहे, याद है ना वो नारा, वो भाषण के भाइयों बहनों, मैं फिर नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार है। मुझे जब नाम लेना होता है तो मैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर के ले लेता हूं। देखिए बड़ी खूबसूरत सी शाम है, रमेश सोज का एक शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, वाह, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है, मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। ये आपकी मोहब्बत है, मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूं। वो दिन याद है आपको ना, वो नारे भी याद है, और इन दिनों जो हालात हैं, मैं देश के आम जो नागरिक हैं उनकी पीड़ा को एक शायर आवाज देने की कोशिश करता है। यहां से वहां तक शिरकत करिएगा कि कहां सोया है चौकीदार। वाह 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 वाह, देखिए मैं फिर नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन आप समझ जाएंगे अगले मिसरे पे, मैं जानता हूं। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैं फिर कोई नाम नहीं ले रहा हूं कि चाय बेचने वाला, नहीं पूरा पूरा तो होने दीजिए। देखिए अभी मैं हाजी साहब से पूछूं कि आपके साथ कौन आदमी पढ़ता था तो इनके दो चार क्लासमेट निकल आएंगे। नदीम भाई भी बुजुर्ग आदमी, अगर इनसे पूछूं कि आपके साथ ग्रेजुएशन में कौन था तो एक दो नाम, एक दो इनके सहपाठी जरूर होंगे। जी बिल्कुल। लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि पॉलिटिकल एंटायर साइंस में जब आप एमए कर रहे थे तो आपके साथ पढ़ने वाले एक व्यक्ति का नाम बताइए तो वो नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसे इसी तरह से मैं अगर उनसे पूछूं कि भैया किसने पी थी, कहां बेची थी, कोई सबूत नहीं है। लेकिन भाषण की जो कला है उस कला ने देश को सम्मोहित किया। अब मैं अपनी शायरी की कला का प्रदर्शन करता हूं और आपको पुकारता हूं। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। लेकिन मैं यहां खड़ा होकर के राजस्थान की सरकार को सैल्यूट करूंगा, अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने जब पूरे देश में गैस सिलेंडर 1200 रुपए का बिक रहा है तो राजस्थान में 500 रुपए का देने का ऐलान किया, उसके लिए सरकार की सराहना करता हूं। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इतनी कमजोर ताली से मैं बड़ी हिम्मत कर रहा हूं, आप ऐसे कमजोर इधर। अच्छा उधर जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ऐसे हाथ बांध के बैठे हैं जैसे मेरी शादी में आए हैं दावत खाने के लिए, थोड़ा सा आपके भी शिरकत हो। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। पहली बार नज़्म में एक नाम लूंगा मैं, लेकिन उस काफिये की दाद चाहता हूं मैं आपसे। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। क्या जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार,
कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। हुकूमतें डराने की कोशिश करती हैं, कलमकारों के सर कलम करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में पूरी हिम्मत के साथ, पूरी दिलेरी के साथ, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। वाह 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 वाह। करौली वालों, मैं एक नज्म सुनाता हूं आपको, आप बड़ी इर्शाद मोहब्बत से, बड़ी दुआओं के साथ सुन रहे हैं। के वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, क्या कहना, वाह 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 वाह। के वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, वाह, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, वाह 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 वाह। कुछ बातें मेरे शायर दोस्त गवाह हैं, जब मुझसे कहा जाता था कि इमरान सच बोलो लेकिन इतना भी सच मत बोलो, इतना भी तीखा मत बोलो, इतना भी तीखा मत बोलो, तब मैं उनसे कहता था कि लबों पर हम सजा कर आए थे कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं, जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजा कर हम भी अपनी जान निकले। तब मैं नज्म पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ, आपको पुकारता हूँ। के वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐसी आसत के मगरूर शाहों सुनो, क्या कहना क्या कहना, वाह 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 वाह। कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, ऐसी आसत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे। वहां तक एक एक हाथ को कसम देता हूं चौथे मिसरे पर, के मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। ये तो आपने दाद दे दी, असल दाद इसके बाद वाले जो दो मिसरे हैं उन पे चाहिए। के मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मेरा ईमान बोल रहा है इन मिसरों में, के मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। ये जो तीन रंग हैं, ये जो हमारे सर पर साया है, इस साये में जो तीन रंग हैं, हरा सफेद केसरिया, ये तीन रंग देखिएगा और इमरान प्रतापगढ़ी को सुनिएगा, मैं अलल ऐलान ये सच बोल रहा हूं कि हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अगले जो दो मिसरे हैं, एक एक हाथ को कसम है कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा, मैं कोशिश करता हूं अपने रंग में आने की, आप भी उसी रंग में आकर के मुझे बताइए कि हमने जमजम दिया आबे गंगा।
दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदोस्तां को तिरंगा दिया। भाई देखिए, आप बैठे रहेंगे तो सुकून से सुना पाऊंगा। चल ठीक है, बस ओके, थैंक यू, शुक्रिया। के हमने जमजम दिया, आवे गंगा दिया। दांत तो जो अगले दो मिसरे आएंगे उसके बाद उस पे चाहता हूं मैं आपसे। के हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदोस्तां को तिरंगा वाह, दिया। वाह 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 वाह, ये तिरंगा, अब तैयार रहना, कि ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, वाह वाह वाह, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना, डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं एक नज्म के एक दो बंद आपको और सुना देता हूं आखिर। इरशाद, कि मेरे मस्कन, आई लव यू, आई लव यू टू, ये देखो, शुक्रिया भाई, इसके आई लव यू पे एक बार यार कह ही दो आई लव यू टू। टू थ्री फोर भी, मेराज साहब का एक शेर है ना, कि वो शख्स सूरमा है मगर बाप भी तो है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रोटी खरीद लाया है तलवार बेचकर, अब शायर होने के साथ साथ सांसद भी हूं तो कुछ दायरे हैं, कुछ मजबूरियां हैं, उन्हें निभाना पड़ता है। लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं एक नज्म सुनाता हूँ आपको। इरशाद, आप अगर खड़े भी हैं तो खड़े रहिए, लेकिन शोर मत करिए, शोर बस दांत देते वक्त करिए, उसके बाद सुकून से रहिए। बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है, ये मोहब्बत की महफिल है, इसमें तो आप जिस जोश और जज्बे के साथ खड़े हैं, मैं उसके लिए तो आपको मुबारकबाद देने के अलावा और कुछ नहीं कह सकता। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। क्या कहना। आज की ये शाम करौली, यहाँ डाइस पर मौजूद तमाम जिम्मेदारान, हमारे शायर दोस्त और सामने मौजूद हजारों की तादाद में नौजवान साथी, मैं एक दुआ करता हूं, एक दुआया नज्म पढ़ता हूं। ये चारों तरफ एक बहस जब खड़ी की जा रही है, भारत इंडिया, इंडिया भारत, ऐसे में इमरान खड़ा होकर के एक नज्म सुनाता हूं। दीप भाई जी भाई, कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। वाह, अगला जो मिसरा है उस पे, इस दुआ पे आपका उठा हुआ हाथ और उसका संदेशा पूरे देश में जाएगा। कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को
सलामत रखना। ये मिसरा कौन पढ़ रहा है? इमरान पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? भारत का इमरान पढ़ रहा है कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। पहला बंद पढ़ता हूं। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। क्या कहना भाई? अगर खड़े भी हैं तो आप इतना शोर ना करें ना कि मुझे डिस्टर्ब होने लगे पढ़ने के लिए। हाँ, आप बैठे रहिए या खड़े रहिए, लेकिन सुकून से। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। वाह, जिंदा गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर, अपनी सांसों का मैं संगीत निछावर कर दूं। वाह 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 वाह। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। करौली वालों, बहुत जज्बाती होकर के मैं यहां खड़ा हूं। हाजी रुखसार ने बहुत खूबसूरत यह मुशायरा किया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। मैं एक बंद पढ़ता हूं। यहां इस तरफ तमाम ऐसे चेहरे बैठे हैं मैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में पिछले 50 सालों का दर्द महसूस कर रहा हूं। मैं यहां खड़ा हूं, हर दिन वतन परस्ती का सबूत मांगते हुए तमाम लोग और इमरान प्रतापगढ़ी के ये मिसरे। थोड़ी देर के लिए मैं बिल्कुल आपकी खामोशी चाहता हूं। चौथे मिसरे पे मुझे दुआ मिलनी चाहिए आपकी। मैं पढ़ता हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, वाह, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। वाह 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 वाह। मैं करौली में खड़ा होकर के एक अजीम शख्सियत को सलाम करना चाहता हूं, सल्यूट करना चाहता हूं। मैं सल्यूट करना चाहता हूं विराट कोहली को, जिसने आज क्या शानदार पारी खेली है और पड़ोसियों को बता दिया कि बाप तो बाप ही होता है। विराट कोहली को सलाम। लेकिन कभी कभी मेरा नाम इमरान है, मनिका यहां बैठी है, कभी कभी होता क्या ना, फेसबुक के इनबॉक्स में, ट्विटर के इनबॉक्स में ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं जब इस तरह के मैच होते हैं। मैंने तो कई साल से मैच देखना बंद कर दिया। संदेशे आते हैं कि आज तो मैच है, तुम तो उसी तरफ होगे क्योंकि तुम्हारा तो नाम भी इमरान है। तो कभी कभी चिढ़ होती है, पहले गुस्सा आता था। अब क्या करता हूं कि पलट के एक तस्वीर भेजता हूं, कुछ लिखता नहीं हूं, इनबॉक्स में ही पलट के एक तस्वीर भेजता हूं। और वो तस्वीर होती है कि हिंदुस्तान का एक शख्स हज करने गया है और वो खाने काबा के सामने खड़ा है और उसने वहां पर अपने हाथों में तिरंगा ले रखा है। मैं पलट के वो तस्वीर भेजता हूं और नीचे बस इतना लगता हूं कि हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई, हमने तो ऐसी जगहों पर भी तिरंगा फहराया है जहां तुम कदम भी नहीं रख सकते हो। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है,
मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। वाह। और इस भीड़ में ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने अब तक एक भी मिसरे पे किसी को कोई दाद नहीं दी है। मैं उन्हें कसम देता हूं कि खामोश रह पाइएगा तो चौथे मिसरे पे खामोश रह लीजिएगा। इमरान बोल रहा है कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है। वाह बाबा। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी के हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। वाह 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 वाह। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है। वाह वाह वाह। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी के हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। मेरे ईमां की अकीदत को सलामत रखना। वाह वाह। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। वाह वाह। करौली वालों, पिछले दिनों जब मैं पार्लियामेंट पहुंचा तो एक दिन पार्लियामेंट में डिबेट हो रही थी और टॉपिक वही था, सबका साथ सबका विकास। ठीक है ठीक है ठीक, कोई नहीं, बस यह है। देखिए दो बातें, आपकी वजह से पुलिस प्रशासन के जो साथी हैं उनको अनुशासन बनाने में कोई दिक्कत ना आए, ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रशासन आपका सहयोग कर रहा है तो फिर आपको भी प्रशासन का सहयोग करना है। थोड़ा सा पीछे होकर के खड़े रहें, बाकी बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। और साथियों से भी गुजारिश करूंगा, जो व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं आप बस व्यवस्था बनाते रहें, ये सब मोहब्बत में आए हुए लोग हैं। मैं एक बंद पढ़ रहा हूं जी। तो जब मैं पार्लियामेंट पहुंचा तो डिबेट चल रही थी और उस डिबेट में जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ पार्लियामेंट में तो मैंने ये चार मिसरे वहां भी पढ़े थे जो अब मैं यहां पढ़ने चल रहा हूं। अच्छा, हाजी साहब की बात पे इतना लब्बैक कहते हैं लोग, इतना आमीन कहते हैं लोग कि हाजी साहब कहते हैं उठ जाइए तो फिर ये उठ जाते हैं, बैठने को कहते हैं तो बैठ जाते हैं। अच्छा, पुलिस प्रशासन के साथी भी बड़े शानदार हैं, क्या शानदार तरीके से अनुशासन मेंटेन कर रहे हैं। वो पुलिस विभाग में हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ है कि एक दिन एक दरोगा जी कुएं में गिर गए। अनुशासन का, डिसिप्लिन का महत्व तो क्या होता है कि दरोगा जी कुएं में गिर गए, जा रहे थे रास्ते में, अंधेरा था, देख नहीं पाए, गिर गए। उनके साथ जो सिपाही चल रहा था वो दौड़ा पीछे भागा, देखा एक और कांस्टेबल आ रहा है, सिपाही आ रहा है, तो उसने कहा कि साहब अंदर गिर गए, उन्हें निकालना पड़ेगा। उन लोगों ने कहीं से रस्सी वस्सी का इंतजाम किया, रस्सी डाल दी और ऊपर से आवाज लगाई कि आप जो भी हैं ऊपर आ जाएं। साहब, दरोगा जी ने रस्सी पकड़ी और रस्सी किसी तरह से चढ़ते 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 जब कुएं के बिल्कुल बराबरी पर आ गए और बाहर ही निकलने वाले थे, इतने में उस कांस्टेबल ने देखा, रही है तो हमारे दरोगा जी हैं। उसको डिसिप्लिन याद आया, उसने रस्सी छोड़ के कहा जय हिंद सर, दरोगा जी फिर नीचे। डर के दोनों भागे, फिर एसपी साहब को पता चला कि कोई एक आदमी है जो गिरा हुआ है। एसपी साहब ने रस्सी वस्सी मंगवाई, रस्सी डाली और कहा बाहर आ जाओ। दरोगा जी ने रस्सी पकड़ी और रस्सी पकड़ के किसी तरह से बिल्कुल जब बराबरी पर आए और निकलने वाले थे, इतने में दरोगा जी ने देखा, अरे रस्सी पकड़ के खड़ा हुआ आदमी तो हमारा एसपी है। उन्हें डिसिप्लिन याद आया, दरोगा जी को जो खुद लटके हुए थे, उन्होंने कहा जय हिंद सर फिर नीचे। ये डिसिप्लिन बहुत परेशान करता है। लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा जिस नेक तरह से, जिस मोहब्बत के साथ आज के इस कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है। एक बार जोरदार ताली करौली प्रशासन के लिए।
तब मैं ये बंद पढ़ रहा हूं साहब। मेरे ही माँ की अकीदत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। यहाँ चेयरमैन आप ही है ना, इसलिए मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। बंद सुनना इरशाद, कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है। क्या कहना बाबा बा। तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। और अब जो दो मिसरे हैं उन्हें सुनना। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। वाह बाबा, वाह वाह बाबा। मेरी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, वाह वाह। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। और आखिर में जाते जाते एक नज्म के लिए कई लोगों ने कहा है, उसका सिर्फ एक बंद पढ़ के जाऊंगा। के सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आँखों में अशकों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये एक माँ कह रही है। के नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। और करौली वालों, बहुत कुछ सुनाना था, लेकिन वक्त की अपनी मजबूरियां हैं। मुझे यहां से सफर पे निकलना है और फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ जाना है। क्या अच्छा, एक और अच्छा, एक नज्म के एक दो बंद सुन लीजिए, ठीक है? लेकिन आप खामोशी के साथ सुनेंगे तब सुना पाऊंगा। मैं लाल किला हूं, नज्म सुनो इधर डाइस पे भी जो लोग हैं भाई थोड़ी देर। मैं लाल किला हूं, हाँ पहले सुनो, बाद में इसके बाद आप सोचो। मैं यहां खड़ा हूं और मैं जब दिल्ली में अपनी गाड़ी से एक इमारत के इर्द गिर्द गुजरता हूं तो फिर मुझसे ये नज्म होती है और मुझे लगता है वो दीवारें बोल रही हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो इमारत मुझसे कह रही है। मुझे कई साथियों ने कहा था कि मैं ये नज्म आपको जरूर सुना दूं, तो मैं ये नज्म आपको इसके दो बंद सुना देता हूं। हाजी साहब सुनिएगा। कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान मैं तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। अब वो इमारत बोल रही है और उस इमारत की आवाज बन करके इमरान पर एक माइक पर खड़ा है। सुनना,
कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको। अब सुनना कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का, तामीरे कामयाब हूँ मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ गिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ इस नज़्म का के बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हो। मैं बहुत जिम्मेदारी भरी नज्म पढ़ रहा हूं, थोड़ी देर आपकी शिरकत चाहिए। इधर से थोड़ा और पीछे हो जाए, और पीछे हो जाए, और पीछे हो जाए। हाँ सुनना के बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हो जो खार की छाती पे खिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। और अब ये चार मिसरे सुनना के खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरे साथ गुनगुनाना पड़ेगा इन मिसरों को। के खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कल भी खुल साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। और करौली वालों, करौली वालों, हाजी रुखसार साहब, ये मिसरे बतौर तोहफा देकर जाता हूँ आपको। के बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं, बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं।
कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं, कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं, भले ही शोहरतों की मैं सभी ऊंचाइयां छू लूं, बुलाकर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा।